जेई मेन्स का ये क्वेश्चन है हमारा कॉम्बिनेशन पर बेस्ड, ठीक है, ये पूरा पूरी फॉर्मूला बेस्ड है, इसको आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? पहले हमको जानना पड़ेगा कॉम्बिनेशन का जनरल टर्म्स, जनरल फार्मूला। NCR का फार्मूला क्या होता है? N का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R का फैक्टोरियल, N माइनस R का फैक्टोरियल। तो हमारा गिवन क्या दिया हुआ है? R इज इक्वल टू 0 से लेकर 25, 25 सी आर, और 50 माइनस आर सी 25 माइनस ऑफ आर इज इक्वल टू 50 सी 25 इंटू के। हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे के का वैल्यू फाइंड करेंगे? पहले देखते हैं प्रोसेस के थ्रू से। समेशन आर का वैल्यू 0 से लेकर 25, इसको खोलते थे कितना, 50 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल, 50 माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ 50 माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ 25 माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस आर माइनस ऑफ 25 माइनस ऑफ आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या है, 50 नहीं कटेगा, आर आर कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो हमारा कितना निकलेगा, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 से लेकर 25 50 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 50 माइनस 25, तो 25 का फैक्टोरियल, ठीक है, और हमारा बचा क्या है इस साइड, डिवाइडेड बाय 25 माइनस आर का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स, यहाँ पर अगर हम 25 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, यहाँ पर भी 25 का फैक्टोरियल हम लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 25, इसका ये फार्मूला है कॉम्बिनेशन का, 50 सी 25, और ये भी कॉम्बिनेशन फार्मूला है 25 सी आर, चूँकि ये कांस्टेंट है, ये हमारा बाहर निकल जाएगा 50 सी 25, और ये समीशन ऑफ 25 सी आर। ठीक है, चूँकि हम लोग जानते क्या है कि एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 एंड सो ऑन अप टू प्लस एन सी एन, इसका वैल्यू होता है 2 to the power n। ठीक है, तो इसमें भी वही लगाना है 50 सी 25, और ये हो जाएगा 2 to the power 25। तो हमारा क्या इज इक्वल टू कितना वैल्यू दिया हुआ है, k टाइम ऑफ 50 सी 25 और इंटू के। ठीक है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है, ये तो बराबर है ही, हमारा k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2 to the power 24 और 2 to the power 25 हमारा आंसर आ गया 3, 2 to the power 25। थैंक यू।